नमस्कार, यस टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वक्त है इस समय की ताज़ा खबर का। अंबाला में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा वाल्मीकि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा के हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ के मुख्य प्रभारी डॉक्टर मेघराज सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि चौटाला परिवार में जिस तरह की बातचीत चल रही है, उसे बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। फिलहाल दुष्यंत भी इनेलो के साथ ही है। इनेलो वो बसपा का हरियाणा में गठबंधन है, लेकिन चौटाला परिवार में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जिसको देखते हुए पार्टी का भविष्य भी खतरे में दिखाई दे रहा है। बसपा भी प्रदेश में सरकार बनाने के सपने सजोए है। ऐसे में इस कलह का गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बसपा के हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ के प्रभारी डॉक्टर मेघराज सिंह का कहना है कि इसका कोई असर गठबंधन पर नहीं पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला के मायावती से मिलने के समय मांगने पर मेघराज सिंह ने कहा कि वे चौटाला परिवार के सदस्य हैं और वो मिल सकते हैं। अभय और दुष्यंत में से बसपा को खड़ा होना हुआ तो वे किसके साथ रहेंगे, इस पर मेघराज ने कहा कि वे इनेलो के साथ रहेंगे। वाल्मीकि सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी सभी समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ रही है। इन्होंने अनेक जातियों में जो समाज को तोड़ा है, बहुजन समाज पार्टी उनको एक मंच पर एक जगह लाने का काम कर रही है। आज बहुत बड़े पैमाने पर अंबाला शहर के अंदर वाल्मीकि समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। जैसा कि आपने देखा कि युवा शक्ति बहुत मजबूती के साथ आई है। उन्होंने एक जो नारा दिया है कि गली गली से आई आवाज जय वाल्मीकि जय रविदास, निश्चित तौर से ये परिवर्तन की लहर चलेगी हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, और देश के अंदर माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। ये थी राजनीतिक क्षेत्र की कुछ खास खबर। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।